हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम फीफो लीफो एंड एफईएफओ तो इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि हम बताते हैं लेकिन बहुत लोग हैं जो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम प्रैक्टिकली इसमें हम समझेंगे, हर चीज़ में आप कर सकते हो लेकिन मेरे पास क्रीम है तो आपको एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं। पहले जो देखना है फीफो मतलब फास्ट इन फास्ट आउट। अभी मैंने दो क्रीम लिया तो देख सकते हो दो क्रीम मेरे पास है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कल लेके आया और ये आज लेके आया। तो फीपो का हिसाब से आपको, या अभी इसको कट किया मैंने, इसको पहला यूज़ करना है। आज जो लेके आया उसको पीछे रखना है, ये पहला यूज़ करना है तो उसका पीछे तरफ को रखना है। जब भी फीपो का इस्तेमाल किया जाता है तो कभी भी आपको जो पहले वाला चीज़ है वो पहले इस्तेमाल किया जाएगा और जो बाद के वाला जो सामान है वो बाद में यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया आपका फीफो। एफईएफओ मतलब फास्ट एक्सपायरी फास्ट आउट। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने दो क्रीम को लिया। तो क्रीम में मैंने एक्सपायरी देखो, मैंने यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने परचेस किया था इसको, परचेस डेट 1 नवंबर 2024 का, लेकिन इसका जो एक्सपायरी डेट है 24 दिसंबर को। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको समझने के लिए आसान हो। और ये जो परचेज़ किया था मैं 6 तारीख को, 6 नवंबर, मतलब इससे 5 दिन के बाद मैंने ये परचेज़ किया, लेकिन इसका एक्सपायरी है 30 नवंबर को, मतलब इससे 1 महीना पहले इसका एक्सपायरी है। तो हमको फास्ट एक्सपायरी मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है जो आपके पास स्टॉक स्टोर में पड़ा हुआ है, आपने मिनी स्टोर अपना किचन में किचन के अंदर रहता है तो हमने ऐसा रख देते हैं, तो इसके हिसाब से कभी कभी हो जाता है ऐसा रेयर। और इसके लिए हमेशा आप कोई भी सामान प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्सपायरी डेट देख के आपको यूज़ करना है। पहले तो फीपो का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको देखना है जो अपना एक्सपायरी डेट कब का है। आपके पास चार चार ऐसा क्रीम का डब्बा हर किचन में 4 5 6 रह जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है जो पुराना कोई स्टॉक रह गया, बाद में कोई स्टॉक ऐसा आया जो आपके पास जो पहला एक्सपायरी है, तो वो हिसाब से आपको पहला जो एक्सपायरी रहेगा। क्योंकि मैंने ये 6 तारीख को मतलब इसके बाद मैंने ये परचेस किया, लेकिन उसको पहले ही ख़त्म करना है। ये पहले परचेस किया था, ये बाद में परचेस किया, लेकिन ये एक्सपायरी के हिसाब से ये वाला क्रीम को मुझे पहले ख़त्म करना है और उसके बाद इसको करना है। क्योंकि आप एक्सपायरी के बाद कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका फूड में फूड पॉइजन हो सकता है। एफईएफओ और लीफो ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करता है, नॉन फूड आइटम है तो उसमें आप लीफो का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एक अच्छा शेफ बनना है तो ये चीज़ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करते हैं आपको ये चीज़ में ध्यान रखते हुए। क्योंकि आप जब एक शेफ होते हो तो आपको ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा तरीके से आपको मेंटेन करना है और आपको टीम को भी वो लीड करना होता है। फास्ट एक्सपायरी फास्ट आउट, लीफो फीफो, लोग फीफो एंड फास्ट एक्सपायरी फास्ट आउट हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो भी है मतलब आप ये चीज़ में ध्यान देते हो तो आपका फूड भी अच्छा बनता है। वीडियोज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ जानकारी मिला तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।